हमारी सरकार ने तय किया है कि गंगा के किनारे तटवर्ती 27 जनपदों में, बुंदेलखंड में हम गौ आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का कार्य करेंगे और उसके लिए वहां पे हम लोग किसान अन्नदाता किसानों को सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, सब्सिडी भी देंगे। इसके लिए क्लस्टर बनाए गए हैं गौ आधारित खेती के लिए, जिसमें 1714 क्लस्टर बनाए जा चुके हैं और इसके लिए सरकार उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। गोवंश को बचाने के लिए, नेता विरोधी दल बोल रहे थे कि उन्होंने सांड से परहेज था, अब परहेज ही था, लेकिन कह रहे थे कि महोदय इस सांड, लेकिन मुख्यमंत्री खड़े हैं आप बैठिए, लेकिन ये गोवंश हमारी सरकार ने तो कार्यक्रम बनाए हैं। तीन प्रकार की योजनाएं हमारी चल रही हैं। एक शासन के द्वारा संचालित निराश्रित गौ आश्रय स्थल, 10 लाख से अधिक गोवंश वहां पे उनकी देखभाल की जा रही है। दूसरा, कोई भी अन्नदाता किसान जो अपने घर में रख करके 4 गोवंश की देखभाल करेगा, 4 गोवंश तक अनुमन्य है, उन्हें हम 900 रुपये प्रति गोवंश हर महीने देंगे। लगभग 1.5 लाख के आसपास किसान इसके साथ जुड़े हैं और 900 रुपये हर महीने दे रहे हैं, हर महीने दे रहे हैं। तीसरा, कुपोषित परिवार निराश्रित गौ आश्रय स्थल से ब्याही हुई एक गाय उस कुपोषित परिवार को दी जा रही है, जिस परिवार में मां या बच्चा कोई कुपोषित है या दोनों कुपोषित हैं, एक गाय और 900 रुपए हर महीने उन्हें उपलब्ध करवाने का काम भी किया जा रहा है। हमारी सरकार ने तो किया, लेकिन क्या 17 के पहले समस्या नहीं थी क्या? 17 के चुनाव में तो अन्ना प्रथा पे बड़ा हल्ला हुआ था बुंदेलखंड में, तब आप क्या कर रहे थे? एक दूसरा है कि आज का ये सच नहीं है कि दूध आप निकालते हैं और सड़कों पे उनको छोड़ देते हैं बेचारों को, ये भी सच है। बहुत सारी जगह ये चीजें बहुत सारी जगह देखने को मिलती हैं, लेकिन हम देखभाल करेंगे। आपका जो नारा था, जो प्लॉट खाली है वो प्लॉट हमारा है, ऐसा कुछ नारा रखता था, हमारा है कि भाई जो गाय सड़क पे दिखेगी उसकी देखभाल की जिम्मेदारी हमारी होगी, हम करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए, हमने अगर उसको मां का संबोधन दिया तो सम्मान भी देंगे। और इसके लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं, नस्ल सुधार की दिशा में भी कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, उसके संवर्धन की दिशा में कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, प्रदेश में डेयरी सेक्टर की स्ट्रेंथनिंग के लिए कार्रवाई भी हो रही है और इस दिशा में अनेक कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। बजट में हम लोगों ने अन्नदाता किसानों के लिए जो व्यवस्था बनाई है कि पिछली बार हम लोगों ने उनके जो विद्युत कनेक्शन के दाम थे उसको हाफ किया था और अगले धीरे धीरे करके अगले 4-5 वर्षों के अंदर उसको हम 0 पर पहुंचाने की कार्रवाई करने जा रहे हैं, जिससे हर एक अन्नदाता किसान को फ्री में बिजली मिल, बिजली में पानी मिल सके, इस दिशा में सरकार कर रही है। कह रहे थे कि जो 20,000 का कृषि फंड बनना था, सिंचाई फंड बनना था, उसका क्या हुआ? ये जो बाण सागर की परियोजना पूरी हुई है, अर्जुन सहायक की परियोजना पूरी हुई है और सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना पूरी हुई और ऐसी लगभग 20 से अधिक छोटी बड़ी परियोजनाएं पूरी हुई हैं, उसी से वही पैसे का उपयोग किया जा रहा है, जिसके माध्यम से 22 लाख हेक्टेयर भूमि को प्रदेश के अंदर अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। ये प्रदेश के अंदर हुआ है और महोदय हम लोगों ने अभी 22-23 में सहजाद बांध स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना,
23-24 में तीन परियोजनाओं को मध्य गंगा कसनोबा बांध और लखेरी बांध को पूर्ण करने का भी लक्ष्य रखा है। उस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। अन्नदाता किसानों के बारे में आप कह रहे थे क्या आय दुगनी हुई है, और मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर नोट कर सकेंगे तो अच्छा होगा महोदय, 12 से 17 के बीच बिचौलियों के माध्यम से प्रदेश में 94 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई, 12,800 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। ये किसान के खाते में नहीं हुआ, जिससे खरीदा गया उसके माध्यम से। लेकिन 17-18 से लेकर के 21-22 के बीच हम लोगों ने अन्नदाता किसानों से 219.12 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की और 40,159 करोड़ रुपए का भुगतान किया। अब मुझे बताइए 12,800 करोड़ से बढ़कर के 40,159 करोड़ रुपए जा रहा है, यह पैसा सीधे किसान के खाते में गया, बीच में कोई मीडिएटर नहीं था। यही नहीं, 12 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय मीडिएटर के माध्यम से 123 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई और 17,190 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। स्वाभाविक रूप से किसान से सीधे नहीं खरीद रहे तो पैसा भी उसके पास नहीं जाएगा, लेकिन भुगतान हुआ। और इसके सापेक्ष 17-18 से लेकर के 21-22 की अवधि में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 280.09 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया और 50,420 लाख 20 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से हर अन्नदाता किसान के खाते में किया। क्या 17,190 करोड़ और 50,420 करोड़ में कोई अंतर ही नहीं है क्या? और इस वर्ष भी 22-23 में 64.464 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया गया है, जिसके माध्यम से अब तक 13,192 करोड़ रुपए का भुगतान अन्नदाता किसान के खाते में किया गया है। इसमें कोई मीडिएटर नहीं है। और चीनी यानी प्रदेश के अंदर गन्ना उत्पादक किसानों के साथ क्या व्यवहार होता था, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोग अपने खेतों में आग लगाते थे किसान। आज प्रदेश के अंदर हमारी सरकार आई, रमाला चीनी मिल, चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि की चीनी मिल, हमने उसका पुनरुद्धार किया। मुंडेरवा और पिपराई चीनी मिल, ये नई चीनी मिलें लगाई गई। मुंडेरा के नाम पे राजनीति आप करते थे, चीनी मिल हमारी सरकार ने वहां लगाया, डबल इंजन सरकार ने वहां लगाया। पिपराइच में चीनी मिल हमारी सरकार ने लगाया, मोदिनपुर चीनी मिल हो या अन्य तमाम चीनी मिलों के पुनरुद्धार का कार्य किया गया। और अब तक महोदय 1,98,434.98 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान भी हमारी सरकार करवा चुकी है, जो अन्नदाता किसान के खाते में गया है। और अगर मैं तुलना करूं 5 साल की तुलना में, तो यह समाजवादी पार्टी की सरकार के समय के कुल गन्ना भुगतान से 1,02,000 करोड़ रुपया अधिक है,